प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी, मंत्रिपरिषद के उनके साथी श्री गणपत भाई, ईश्वर सिंह पटेल, संसद में मेरे साथी सी आर पाटिल, डॉक्टर केशी पटेल, उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, बड़ी संख्या में यहाँ पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो आजादी के आंदोलन के अहम पड़ाव का गवाह रही और सत्याग्रह की संस्कार भूमि दांडी इस पवित्र धरती से पूज्य बापू को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं सरदार पटेल को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने इस दांडी मार्च को ऑर्गेनाइज किया, पूज्य बापू का कदम कदम पर साथ दिया। आज बापू के निर्वाण दिवस पर हम सभी एक महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी बने हैं। आज हम सभी का सौभाग्य है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक, उसका कार्य पूरा हो गया है। जिस वर्ष हम पूज्य बापू की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, उस वर्ष ये स्मारक देश को समर्पित की जा रहा है। साथियों, बापू ने जो विरासत देश और दुनिया को दी है, उससे हमारी भावी पीढ़ी समृद्ध होती रहे, इस कड़ी में आज दांडी का राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक भी जुड़ गया है। आज इस स्मारक के लोकार्पण पर मैं देशवासियों के साथ साथ इसके निर्माण से जुड़े सभी कलाकारों, सभी श्रमिकों, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, थोड़ी देर पहले इस स्मारक को विस्तार से देखने का मुझे अवसर मिला। 40 फीट की ऊंचाई पर दो हथेलियों और उस पर 2.5 टन का सफेद चमकता हुआ स्फटिक नमक का प्रतीक, दो हाथों के नीचे गांधी जी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा गांधी जी की आत्मिक शक्ति को दर्शाती है, साथ में 80 से अधिक सत्याग्रहियों की प्रतिमाएं ये स्मरण दिलाने के लिए हैं कि देश की आजादी में, देश के कोने कोने में करोड़ों लोगों ने तप और तपस्या की है। साथियों, दांडी मार्च को लेकर बहुत सारी बातें कही, पढ़ी और लिखी जा चुकी है। यहां म्यूजियम में भी उनको विस्तार से शब्दों और तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है। स्वदेशी के प्रति बापू का आग्रह हो, स्वच्छाग्रह हो या फिर सत्याग्रह, दांडी का ये स्मारक आने वाले समय में देश और दुनिया का महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है। इतना ही नहीं, पर्यटन की दृष्टि से भी दांडी और गुजरात को इस स्मारक से और ताकत मिलने वाली है। यहां जो झील बनाई गई है वो बहुत ही आकर्षक है और इसके अलावा यहां आकर पर्यटक उस ऐतिहासिक पल को खुद भी जी पाए, उसे दोहरा पाए, इसके लिए नमक बनाने की भी सुविधा यहां तैयार की गई है। करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से यहां दांडी हेरिटेज पथ बनाया गया है, जिसमें नई सड़कें और ठहरने की व्यवस्थाएं शामिल है। भाई और बहनों, दांडी मार्च से भारत की आजादी के आंदोलन पर क्या असर पड़ा और दुनिया की सोच में कैसे
इस मार्च से परिवर्तन आया, इसको याद रखना जरूरी है। ये नमक सत्याग्रह ही था जिसने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। दांडी मार्च ने पश्चिमी मीडिया में भारत के प्रति सोच, हमारे आजादी के आंदोलन के प्रति समझ को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक घटना से पहले ज्यादातर दुनिया हमें ब्रिटेन के चश्मे से देखती थी, लेकिन जब अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने बापू को साल 1930 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना, तो दुनिया में अत्याचार के विरुद्ध आवाज को नई बुलंदी मिलने लगी। साथियों, सबसे बड़ा संदेश जो गांधी जी ने इस दांडी मार्च से देने का प्रयास किया वो है रचनात्मकता। गांधी जी बखूबी जानते थे कि सिर्फ विरोध उससे आजादी का आंदोलन सफल नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने तब अपने सहयोगियों से कहा था कि रचनात्मक विजन के बगैर भारत का पुनर्निर्माण संभव नहीं है। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा के साथ साथ खादी और ऊंच नीच के खिलाफ सामान्य मानवी को एकजुट करने का रास्ता भी दिखाया। साथियों, जब गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए नमक को चुना था, उस समय के कुछ नेताओं को उनके उस तरीके पर संदेह था। कुछ लोगों ने खुलकर के इसका विरोध भी किया था, लेकिन गांधी गांधी थे। उन्होंने अपना अभियान जारी रखा क्योंकि वो नमक की कीमत जानते थे और समाज के हर वर्ग से नमक के संबंध को पहचानते थे। नमक महंगा करना गरीब से निवाला छीनने जितना बड़ा मामला था, लेकिन नमक की ताकत समझने में तब की अंग्रेज सरकार ने भी भूल कर दी। तब के गवर्नर जनरल ने भी इस नमक सत्याग्रह को चुटकी भर नमक से सरकार को परेशान करने वाला पागलपन करार दिया था। साथियों, नमक सत्याग्रह से किस प्रकार का माहौल बना, इसकी चर्चा करते हुए टाइम मैगजीन ने एक ब्रिटिश पत्रकार के हवाले से लिखा था कि बॉम्बे में दो सरकारें चल रही है। एक तरफ ब्रिटिश सरकार जिसके पास पूरा प्रशासन है, तो दूसरी तरफ बॉम्बे का जन सामान्य है जो असंख्य कैदियों में से एक महात्मा गांधी के पीछे खड़ा है। नमक सत्याग्रह के कारण स्वदेशी और सविनय अवज्ञा, इसकी भावना इतनी मजबूत हुई कि ब्रिटिश सरकार को भी भारी नुकसान होने लगा। व्यापारियों ने महीनों तक दुकानें बंद रखी, ब्रिटेन से आयात बहुत कम हो गया और अंग्रेज सरकार हिल गई। आजादी के दीवानों को स्वराज का लक्ष्य सामने दिखने लगा। साथियों, कल्पना कीजिए, अगर उस समय नमक सत्याग्रह के खिलाफ कुछ नेताओं की बात महात्मा गांधी ने मान ली होती, उनकी बातों में आकर के गांधी जी चुप हो जाते, अपना इरादा बदल लेते, यात्रा न करते, तब अगर गांधी जी नकारात्मकता के शिकार हो जाते, विरोध की वजह से नमक सत्याग्रह न करते, तो क्या होता? साथियों, उस समय
जो नमक के प्रयोग को छोटा समझकर विरोध कर रहे थे, उस तरह की मानसिकता हमारे देश में उस समय भी थी, आज भी है। और कभी कभी तो लगता है आज तो दुर्भाग्य से ज्यादा शायद कुछ और ज्यादा मुखर करके है, ज्यादा उसमें स्वार्थ चिपक गया है। पिछले साढ़े चार साल में इन लोगों ने कैसे कैसे सवाल पूछे, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, मैं देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं। कैसा पूछते थे, कैसा बोलते थे, जरा उनके डायलॉग याद कीजिए। शौचालय बनाने से भी कोई बदलाव आता है क्या? साफ सफाई भी क्या कोई प्रधानमंत्री का काम है? गैस का कनेक्शन देने से भी कहीं जीवन बदलता है? बैंक में खाते खोलने से गरीब अमीर हो जाएगा क्या? ये सारे डायलॉग देश भूलेगा नहीं, ये वही लोग हैं। ऐसे अनेक सवाल अपने निजी स्वार्थ के लिए नकारात्मकता को लेकर के चलने वाले लोग, और आज भी उसी नकारात्मकता को जीने वाले लोग मिल जाएंगे। नेगेटिविटी से भरे ऐसे लोगों को ये बताना जरूरी है कि बड़ा बदलाव तभी आता है जब छोटी छोटी बातों और आदतों में सार्थक परिवर्तन आता है। नमक हो, चरखा हो, खादी हो, स्वच्छता हो, ऐसी तमाम बातें रही हैं जिन्होंने हमारे आजादी के आंदोलन को सशक्त किया, लोगों को एकजुट किया, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को आजादी का सिपाही बना दिया। कुछ लोगों को तब नमक सत्याग्रह छोटा लगता था, उसकी अहमियत नजर नहीं आती थी। अब इस सरकार के अनेक कार्य उनको छोटे लग रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं, आप सोचिए साथियों। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में 9 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, तभी तो आज लाखों लोग अनेक बीमारियों से बच रहे हैं। इन शौचालयों ने महिलाओं की जिंदगी कितनी आसान की है, ये नकारात्मकता से भरे लोग समझ नहीं सकते हैं। उनके दिमाग को नकारात्मकता का ताला लग गया है। एक अनुमान है कि टॉयलेट बनने की वजह से देश में 3 लाख गरीबों के जीवन की रक्षा संभव हुई है। स्वच्छ भारत का मजाक उड़ाने वालों को, विरोध करने वालों को गरीब की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। साथियों, ये लोग चाहे जितना मजाक उड़ाएं, नए भारत ने इन बदलावों के लिए अपना मन बना लिया है। और स्वच्छता, पूज्य बापू कभी कह चुके थे कि आजादी और स्वच्छता में से मुझे पहला कुछ चुनना है तो मैं स्वच्छता चुनूंगा। आए दिन बापू का नाम लेकर के राजनीति करने वाले लोगों ने बापू का ये छोटा सा सपना पूरा किया होता, स्वच्छता का काम किया होता, तो भी बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होती। जब समाज सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ता है,
तो ये बड़े बड़े संकल्प सिद्ध कर पाता है। इस वर्ष 2 अक्टूबर को जब हम बापू की 150वीं जन्म जयंती मनाने वाले हैं, तब तक संपूर्ण देश को खुले में शौच से मुक्त करना है। मुझे खुशी है कि ग्रामीण स्वच्छता का जो दायरा 2014 में हमारी सरकार बनने से पहले 2014 में करीब करीब 38% था, वो आज 98% हो गया। 38 से 98, 38 थी 98। इसका मतलब हुआ कि देश लक्ष्य के बहुत निकट पहुंच चुका है। एक बार जब देश के हर परिवार के पास शौचालय की सुविधा होगी तो स्वच्छता के अभियान को और गति मिलेगी। साथियों, सरकार का निरंतर प्रयास है कि बापू के जीवन और उनके बताए रास्तों से देश और दुनिया रोशनी लेती रहे। इस बार आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस की परेड भी 26 जनवरी को राजपथ पर जितनी भी झांकी आई, पूरा कार्यक्रम, और आजादी के बाद पहली बार हुआ है, पूरा कार्यक्रम महात्मा गांधी को समर्पित कर दिया गया था। पिछले वर्ष हमारी सरकार ने, हमारे विदेश विभाग ने एक इनोवेटिव पहल करते हुए दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा देशों के गायकों से गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव भजन तो तेने कहिए रिकॉर्ड करवाया था। दुनिया के 100 देश के वहां के कलाकार भारत की कोई भाषा नहीं जानते, गुजराती भाषा नहीं जानते, नरसिंह मेहता कौन थे पता नहीं, वैष्णव भजन का मतलब क्या होता है पता नहीं, लेकिन वे दिल से जुड़ गए, मन से जुड़ गए, जी जान से जुड़ गए और ऐसे उन्होंने गाया। उनकी भाषा हमसे मिलती नहीं है, हमारे गीत संगीत को उन्होंने समझा, भजन के शब्द को, भाव को समझा, आत्मीयता को महसूस कर पाए, और यही एक बात है जो बापू को पूरे विश्व से जोड़ती है। और मैंने आज यहां कहा है कि इस दांडी के अंदर जो चित्र वगैरह रखे गए हैं वहां एक डिजिटल व्यवस्था भी करेंगे कि दुनिया के इन कलाकारों ने जो वैष्णव भजन गाया है, जो भी जिस देश के वैष्णव भजन के कलाकार से वैष्णव भजन सुनना चाहता है वो सुन सके, ऐसी व्यवस्था करने के लिए आज मैंने कहा है, वो भी उसमें जुड़ जाए। साथियों, बापू का आग्रह खादी को लेकर भी था, चरखे को लेकर भी था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद खादी को लोग लगभग भूल ही गए थे। राजनीति में किसी समारोह के समय टोपी वोपी पहन करके पहुंच जाना या लंबा कुर्ता पहन करके चले जाना, यहां तक वो सीमित हो गया था। बाकी जन सामान्य के जीवन से करीब करीब खादी गायब हो गई थी। ये हमारी सरकार के ही प्रयास का नतीजा है कि अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। दुनिया भर में आज खादी के जैकेट्स, उसके साथ साथ अनेक प्रोडक्ट्स, आज दुनिया में से उसकी डिमांड आ रही है। आज खादी देश का फैशन तो बन ही चुकी है, इसके अलावा ये आजादी की कहानी बताने और महिला सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन रही है। साथियों, ये बदलाव अपने आप नहीं आया है। बीते 4.5 वर्षों में हमने खादी से जुड़े लगभग 2000 संस्थानों का आधुनिकीकरण किया है, मॉडर्नाइजेशन किया है, और हमने कभी देखा नहीं कि ये 2000 संस्था वाले किस पार्टी से जुड़े हुए हैं।
हमारे दिल में तो गांधी थे, हमारे दिल में खादी थी, हमारे देश दिल में जो गरीब बुनकर हैं वो हमारे दिल में था, और इसलिए हमने इन 2000 संस्थाओं के मॉडर्नाइजेशन का काम किया। इससे खादी से सीधे तौर पर जुड़े लगभग 5 लाख लोगों को लाभ पहुंचा है। अब सीधा पैसा कामगारों तक पहुंचाया जा रहा है। बीते 4 वर्षों में खादी की बिक्री में जो 2.5 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है, उसका लाभ अब इन कारीगरों तक भी पहुंच रहा है। भाइयों और बहनों, मेरा स्वयं का मानना है कि जैसे स्वतंत्रता के आंदोलन में स्वदेशी एक हथियार था, वैसे ही आज गरीबी से लड़ने के लिए हथकरघा भी एक बहुत बड़ा हथियार है। हथकरघा की अहमियत को समझते हुए ही हमारी सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के तौर पर घोषित किया है। साथियों, संपूर्णता में देखें तो गांव की अर्थव्यवस्था और कुटीर उद्योग गांधी जी की आर्थिक सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बीते 4.5 वर्षों में बड़े स्तर पर काम किया गया है। सरकार के प्रयासों का नतीजा ये हुआ है कि गांव के उद्यमों की बिक्री जो 4 वर्ष पहले तक 30,000 करोड़ रुपए थी, वो आज डबल हो चुकी है, 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। इससे गांवों में रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं। सरकार का प्रयास है कि ग्रामोदय से भारत उदय के अपने मिशन को और मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, देश के गांवों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार ग्राम स्वराज अभियान भी चला रही है। हम एक एक गांव की समीक्षा कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गांव के हर घर में बिजली हो, गैस का कनेक्शन हो, शौचालय हो, गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के पास बैंक खाता हो और हर बच्चे को टीकाकरण अभियान का लाभ मिलता हो। साथियों, हमने बापू के आदर्शों को आधुनिकता के साथ भी जोड़ा है। गांव में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनने के लिए मिशन सोलार चरखा पर चलाया जा रहा है। इसके तहत अगले साल तक देश भर में 50 सोलर चरखा क्लस्टर पायलट तौर पर स्थापित किए जा रहे हैं। इससे लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। आज यहां भी आपने देखा होगा सोलार ट्री बनाए हुए हैं। यहां की जरूरत सूर्य ऊर्जा से पूरी होगी, उससे अतिरिक्त बनेगा, गांधी जी के विचारों से सुसंगत है। ये सोलार ट्री का कंसेप्ट धीरे धीरे हर गार्डन के अंदर डेवलप हो जाएगा, लोग इसको स्वीकार कर लेंगे। आज दांडी से उसकी एक पहल हुई है। भाइयों बहनों, हम चरखे को भी सोलार से जोड़ रहे हैं ताकि कम मेहनत से बूढ़े लोग परिवार में हो वो भी चरखा चला करके अपना आय कमा सकते हैं। खादी के अलावा मधुमक्खी पालन के माध्यम से भी हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देने का प्रयास किया है। 2 साल पहले शुरू किए हनी मिशन द्वारा देश में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। परिणाम यह हुआ है कि आज देश में रिकॉर्ड मात्रा में शहद, अपने जिन्हें मत कहिए, ये शहद उत्पादन हो रहा है और किसानों को अतिरिक्त आय भी हो रही है। साथियों, इस प्रकार के अनेक प्रयास आज देश को अपने गौरवशाली अतीत, अपने संघर्ष और अपने नायकों ने से प्रेरणा लेने का काम तो आ रही है, युवाओं के लिए आजीविका के भी स्रोत सिद्ध हो रहे हैं। मुझे एहसास है कि जिनको सिर्फ विरोधी करना है वो यहां भी अपनी नकारात्मक ऊर्जा को फैलाने से नहीं चुकेंगे। सच्चाई यह है कि चाहे वो सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो,
लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में बना क्रांति मंदिर हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर देश और दुनिया में फैले उनकी स्मृति में पंचतीर्थ हो, हमारे आदिवासी नायकों के देशभर में बने रहे, आजादी के जंग में आदिवासियों की भूमिका को लेकर के बने नए बनने जा रहे म्यूजियम हो, दिल्ली में बना पुलिस मेमोरियल हो, आजादी के बाद पहली बार भारत के वीर जवानों के लिए हम नेशनल वॉर मेमोरियल बना रहे हैं जो इसी फरवरी महीने में देश हमारी सेना को अर्पित करेगा। बीते 4.5 वर्ष में तैयार करिए ऐसे अनेक स्मारक इतिहास से परिचय कराने के साथ ही रिसर्च और पर्यटन के महत्वपूर्ण साथ सिद्ध हो रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स भारत में हेरिटेज विकास और हेरिटेज टूरिज्म को और मजबूत करने वाले हैं। साथियों, सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के कारण बीते 4.5 वर्षों में लाखों रोजगार के अवसर युवाओं को मिले हैं, भविष्य में ये सेक्टर और विस्तृत होने वाला है। जैसे जैसे रोडवे, रेलवे और एयरवे से जुड़े आधुनिक प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, भारत एक अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। अपने राष्ट्र नायकों के योगदान को याद रखना, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी विरासत उसको समृद्ध करने और युवाओं को नए अवसरों को जोड़ने का हमारा अभियान जारी रहेगा। और आज जब मैं दांडी में आया हूं, मेरे लिए दांडी नई जगह नहीं है, मैं पहले भी आता था, आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए, पर हूं तुमने एक काम कही करसो बता, आबाजू जी आवाज ना आयो करसो, एक काम कहू करसो बता, पाके पाए करसो, हवे नक्की करवानू के आपड़ा घरे कोई पण मेहमान आवे तो एने आ दांडी स्मारक बतावा लई आवानुज। बद्दा करसो जरा हाथ ऊपर करो तो, बद्दा करसो ने। बीजू काम, आपना आ जिल्ला नी एक पण शाला के एक पण कॉलेज भी ना होय कि जे आ वर्षे आ दांडी नी तीर्थ यात्रा न करे। हवे तमे मने कहो कि रोज अहीं 100 निशाळो, 50 निशाळो, 20 निशाळो आवे तो दांडी नु शुं थाय, रोजी रोटी चालवा माड़े कि ना माड़े, सिंक चला वेचतो हो कमाए कि ना कमाए, पानी वेचतो हो कमाए कि ना कमाए, बिस्किट वेचतो हो कमाए कि ना कमाए, रिक्शा वालो टैक्सी वालो कमाए कि ना कमाए, चा वालो कमाए कि ना कमाए, सरकारे आ भव्य स्मारक बनायू छे, प्रेरक स्मारक बनायू छे, टेक्नोलॉजी नो पण अद्भुत नमूनो छे, कलात्मकता नो पण अद्भुत नमूनो छे, अने इतिहास नी अभूतपूर्व प्रेरक घटना पण छे, अने गांधी जेवु विरल व्यक्तित्व जेनी साथे जोड़ायेलू हो आवी एक अद्भुत जगह छे। आप जो केटला लोको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ने टीका करता था, दुनिया में फ्रांस ना एफिल टावर की टीका करते कोई फ्रांस वालों न मळे, अमेरिका में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की टीका करने वालों अमेरिकन न मळे, पण आपणा देश में केटला नकारात्मक विचारना लोको एवा छे, अने आजे दर महीने लगभग 5 लाख लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकाते आवे छे। गुजरात में टूरिज्म नो नवो अवसर पैदा थयो छे, देश की एकता नो संदेश लईने जाय छे। नौजवान साथियों, दांडी ने एवं स्थान बनावू छे कि वणझार चालती हो लोकोनी आववानी, मोटी संख्या में लोग आवता होय, अने आखाय आ विस्तार ना
रोजी रोटी जिंदगी बदलाई जाए। कच्छना रणमा कायनो तू रेगिस्तान तू, कोई डोक्यू ना करे, सरकारी अधिकारी डोक्यू ना करे। आज रणोत्सव ना कारणे हजारों लोग त्यां जाय छे अने आखो विस्तार आर्थिक गतिविधि नु केन्द्र बनी गयो छे। भाईओ बहनों, आपने विकास ने आगळ वधारवो छे अने एटला ज माटे आटली मोटी संख्या में जारे आप हिंदुस्तानना पश्चिमी छोर पर समुद्रना तट पर आटली मोटी संख्या में आपनु आवु ए ज समग्र देश ने एक संदेश छे। आप सौने राष्ट्र ने अने मानवता में विश्वास करनार दुनिया ने, शांति अने अहिंसा में विश्वास करनार दुनिया ने, जनशक्ति में विश्वास करनार दुनिया ने आ एक प्रेरक स्मारक समर्पित करता अत्यंत गौरवनी लागणी अनुभव करूं छु। आप सौने आ राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक अर्पित करीने धन्यता अनुभवतानी साथे साथे आप सौने खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, खूब खूब धन्यवाद।